हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बर्बन बिस्कुट से बनाएंगे चॉकलेट केक, जो कि बहुत अच्छा बनता है। सबसे पहले मैंने एक बाउल लिया है जो मैंने फ्रीजर में रख दिया था, और ये जो व्हिप्ड क्रीम बनाने की पाउडर मिलता है वो मैंने लिया है, ये है 50 ग्राम। और इसमें मैं 100 मिलीलीटर यानी कि आधा गिलास से थोड़ा सा कम चिल्ड दूध लिया, और इसको मिक्स करके मैं फ्रीजर में रख दूंगी 15 मिनट के लिए। दूध को मैंने रख दिया है। अब मैंने बर्बन के 5 पैकेट लिए हैं, 10-10 रुपए वाले। अब इनकी क्रीम मैं अलग कर लूंगी और बिस्किट अलग। अब मैं इनको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लूंगी, बिस्किट्स को और चॉकलेट रख दूंगी। अब मैं इसमें जो मिक्सर है इसमें मैंने डाला है आधा चम्मच बेकिंग पाउडर, और 1/4 चम्मच मैंने डाला है बेकिंग सोडा, और 2 चम्मच मैंने डाला है शुगर पाउडर, और 2 चम्मच मैंने डाला है रिफाइंड ऑयल। ये सब मैंने टेबलस्पून यूज़ किए हैं जो घर में हम यूज़ करते हैं। और अब मैं इसमें रूम टेम्परेचर पे मैंने जो दूध है वो लिया है, ना ठंडा ना गर्म, जो नॉर्मल टेम्परेचर पे होता है। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डाल के तब तक इसका ऐसे पेस्ट बनाना है जब तक वो स्मूथ पेस्ट ना बन जाए। मतलब ऐसी कंसिस्टेंसी चाहिए कि जब मैं ऊपर से उसको चम्मच से नीचे करूँ तो वो मतलब स्मूथली नीचे तक आए, और ऐसा पेस्ट बनाने के लिए मुझे 1.5 कप लगा दूध। अब मैंने जो केक वाला ऐसे कंटेनर होता है उसको मैंने ग्रीस कर दिया है और बटर पेपर लगा दिया है। अब मैं इसमें मिक्सचर डाल दूंगी और इसको अच्छे से ऐसे टैप करके मैं कढ़ाई में रख रही हूँ, जो मैंने प्री हीट के लिए रखी हुई थी गैस पे। मैंने ये 10-15 मिनट के लिए प्री हीट पे रखी हुई थी। अब मैंने मीडियम फ्लेम कर दिया है, 20-25 मिनट के लिए मैं रख दिया है उसको गैस पे। और ये जो मैंने पाउडर और दूध मिक्स किया था 15 मिनट फ्रीजर के बाहर निकाला, मैं इसको ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही हूँ। अब मैंने 5 मिनट किया है, देखो हमारी व्हिप्ड क्रीम बन गई है। अब मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी, फ्रीजर में नहीं रखना, मैं इसको फ्रिज में रखूँगी। और इधर 25 मिनट बाद ये केक देखो तैयार हो गया, टूथपिक पिक पे लग नहीं रहा ये। और जो मैंने चॉकलेट निकाली थी बिस्किट से उसको मैंने ऐसे क्रश कर लिया है, और इसका एक पेस्ट बना लूँगी। इसमें थोड़ा सा दूध, इसको पतला पेस्ट नहीं बनाना, थोड़ा सा गाढ़ा ही पेस्ट बनाना है। थोड़ा सा दूध डाला है इसमें मैंने, और इसमें हर्शीज़ डाल दूंगी थोड़ा सा फ्लेवर के लिए, ताकि इसमें चॉकलेट फ्लेवर और आ जाए। और थोड़ा सा मैं इसमें चोको पाउडर ऐड करूंगी। मैंने इसमें 1 चम्मच चोको पाउडर यूज़ किया है। अब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो अगर ज़्यादा डालना चाहते हो। और थोड़ा सा दूध और डाल के ऐसे मैंने एक गाढ़ा सा पेस्ट बना लिया है। अब हमारा केक थोड़ा सा ठंडा हो गया, मैंने इसको ऐसे निकाल लिया है। और मैंने ये छोटा बनाया था केक, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाया था। आप अगर ज़्यादा बड़ा बनाना चाहते हो तो आप और बिस्कुट यूज़ कर सकते हो। देखो हमारा केक कितना अच्छा बना है। अब मैं इसको 2 पार्ट में कट कर लूँगी, अगर आपका बड़ा केक है तो आप उसको 3 पार्ट में भी कट कर सकते हो, और ये ध्यान से कट करना पड़ता है। मैंने इसको धीरे धीरे ऐसे निशान लगा लिया था इक्वली और काट लिया इसको। ये देखो हमारा केक कितना अच्छा है। अब मैं व्हिप्ड क्रीम से चम्मच की हेल्प से इस पर स्प्रेड कर रही हूँ, और इस पर मैं अच्छे से व्हिप्ड क्रीम लगाऊंगी, ताकि जब मैं इसको बनाऊं केक को तो बहुत अच्छा टेस्ट आए। ये क्रीम का टेस्ट बहुत अच्छा आता है केक के अंदर।
अब ऐसे व्हिप्ड क्रीम लगाने के बाद मैंने जो दूसरा पार्ट था वो ऊपर इस केक का रख दिया, और एक मैंने बर्तन लिया है उस पर बड़ी प्लेट रख दी ताकि ये इजीली घूम सके केक, और इसके चारों तरफ भी मैं ऐसे व्हिप्ड क्रीम लगा दूंगी और ऊपर भी लगा दूंगी। अब मैं थोड़ा फिनिशिंग के लिए नाइफ से धीरे धीरे इसको सरफेस को स्मूथ कर रही हूँ थोड़ा सा। अब मैं इस पे जो मैंने सिरप बनाया था चॉकलेट का जो गाढ़ा था थोड़ा, वो इस पे ऐसे फैला दूँगी तो इसमें जैसे मार्वल लुक आती है ऐसे, ये देखो शेडेड, और ये शाइनिंग भी करता है केक, इससे ये देखने में भी बहुत टेस्टी लगता है और खाने में तो लगता ही है टेस्टी। हमें जो पाइपिंग बैग मिलते हैं मार्केट से वो लिया है मैंने, इसमें मैंने व्हिप्ड क्रीम डाल दी, और ये ध्यान रखना है कि ये बिल्कुल चिल्ड होनी चाहिए नहीं तो ये मेल्ट हो जाती है। अब मैंने इसे केक पे ऐसे फ्लावर्स बना दिए हैं और ऊपर से मैंने टूटी फ्रूटी लगा दी है, और हमारा ये केक हो गया है तैयार। आई होप यू लाइक दिस रेसिपी, प्लीज़ शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।